कंडाघाट उपमंडल के उन किसानों के लिए एक आवश्यक खबर है जो आलू की खेती करते हैं, क्योंकि कंडाघाट कृषि विभाग के पास आलू के बीज आ चुके हैं। अगर कोई किसान बीज लेना चाहता है तो वो तुरंत कृषि विभाग आकर ये बीज खरीद सकता है। ये जानकारी लघु सचिवालय में विषयवाद कृषि विभाग के विशेषज्ञ विकास गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि आलू का बीज लगभग 300 क्विंटल आ गया है, जिसकी बिक्री भी शुरू हो चुकी है। ये बीज कंडाघाट के बिक्री केंद्र कंडाघाट, बाकना घाट एवं सियारी में उपलब्ध है। ये बीज लाहौल पोटेंट स्टेशन मनाली से आया है। इसको कुफरी ज्योति वन के नाम से जाना जाता है। मैं अभी कंडाघाट खंड की बात करूंगा, जिसमें कि इस टाइम जो हमारा आलू का जो सीजन चला है, तो इसमें हमारे पास 300 कुंटल जो आलू का बीज उपलब्ध है। तो सभी किसान जो कि हमारे लाहौल पोटैटो स्टेशन मनाली से, जो लाहौल से जो आया है, तो वो कुफरी ज्योति वन के नाम से जो वैरायटी है, ये पहले भी आता रहा है। तो कोई भी इच्छुक किसान हो या जिसको चाहिए, वो तो यहाँ से बीज हमारे ले सकता है। ये बीज हमारे तीन सेल सेंटर पर इस टाइम उपलब्ध है, सायरी, आपका कंडा घाट और वकला घाट में उपलब्ध है। तो जहाँ भी हमारे आदमी बैठे हैं तो वो सेल कर रहे हैं, तो कोई भी इच्छुक किसान है तो वहाँ से ले सकता है। तो इसकी, जैसे आपको पता है कि भाई आगे 15 दिसंबर के बाद होगी, तो थोड़ा इसको हीट में रख के इसको लूंग जैसे लोकल भाषा में लूंग बोलते हैं, तो लूंगने देना, उसके बाद उसकी बिजाई कर देना। बाकी इस बार जो आलू का साइज है मीडियम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर भी आपने जैसे भी आप बुआई करते हैं जिस तरीके से, तो उसको करना है, तो कोई भी आप यहाँ से ले सकते हैं, जब तक, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए हफ्ते 10 दिन में हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप ना जाके वहाँ से आलू का बीज खरीद लें। इसके अलावा साथ में हम दो दो पैकेट जिंक सल्फेट के दे रहे हैं, जिसका उपयोग इसमें तो कम होता है वैसे तो, पर लेकिन करना है आपने। जैसे सोइंग के बाद आपने, तो कुछ दिन के जब थोड़ा इसमें पत्ते निकल जाए तो उस टाइम इसका थोड़ा स्प्रे करना है या उसे डाल देना है इस पर। तो इसी के साथ और भी हमारे पास स्कीमें आती है, जैसे आपका पंप, आपका स्प्रे पंप जो काफ़ी यूज होता है, उसी के साथ और हमारे पास एक जो टोका जिसको बोलते हैं, चेफ कटर मशीन अवेलेबल है। कोई भी चूंकि जिसकी कॉस्ट 6800 रुपये जो अवेलेबलिटी पे मिलेगा सब्सिडी में, उसी तरह से हमारे पास पंप है, जो पंप भी हमारे पास जो तीन तीन तरह से चलता है, सोलर, बिजली और आपका हैंड ऑपरेटेड, तो वो भी अवेलेबलिटी हमारे पास जो है यहाँ पे, कोई भी इच्छुक किसान हो तो खरीद सकता है। उसी तरह से और भी हमारी कई स्कीमें हैं, जैसे पावर बीटर है, ग्रास कटर है, तो लेकिन इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी आपकी पूर्ण जमाबंदी, ततीमा तो नहीं, जमाबंदी, आपका आधार की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज कॉपी, जो ये इनमें फॉर्मेलिटी जो लगती है। तो इसमें जो, जैसे कि आपका ग्रास पावर बीटर है, तो इसमें 25,000